Hey guys, good evening and welcome back to the channel. तो दोस्तों आप ये आप सामने मेरा डैशबोर्ड का फुटेज देख सकते हो। अभी एकदम गाड़ी में धीरे धीरे करके चलाना मैं शुरू किया हूँ और मेरा फिलहाल आप जो पैर का जो मूवमेंट है आज को मैं दिखाऊंगा, क्लच को किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है, अपना ब्रेक को किस तरह से कंट्रोल करना है और एक्सेलेटर को कैसे कंट्रोल करना है, ये तीनों चीज आज आप इस वीडियो पे देखना आप देख पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं छोटा सा वीडियो बनाता हूँ लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप फिलहाल मेरा पैर का जो मूवमेंट है वो देख सकते हो, तो वो कुछ इस तरह से है। तो वो कुछ फिलहाल इस तरह से है। तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मेरा गाड़ी न्यूट्रल में है, मैं क्या क्लच को पूरा दबाया, गाड़ी को मैं फर्स्ट गियर में डाला और देखो मैं गाड़ी का जो क्लच है एकदम धीरे धीरे करके मैं छोड़ा, ठीक है। आज का अगर नया जनरेशन का अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप उसमें देखोगे जहां आप हल्का सा एक्सेलेटर छोड़ोगे ना, ठीक है, तो तुरंत आपका गाड़ी मैं गलत बोल गया जहां आप थोड़ा सा एक्सेल क्लच से पैर उठाओगे तो गाड़ी आपका धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं देखो आप क्या किया, मैं क्लच और ब्रेक दोनों से मैं पैर अपना हटा दिया लेकिन गाड़ी देखो धीरे धीरे करके स्क्रॉल होते रहेगा। सामने आप डैशबोर्ड का फुटेज देख सकते हो मैं कितना धीरे धीरे जा रहा हूँ लेकिन गाड़ी बंद नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चलिए मेरे को जाना भी है तो मैं क्या करूंगा, हल्का सा मैं एक्सेलेटर को पुश किया, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सामने आप देख धीरे धीरे करके मैं गाड़ी को निकालूंगा। अभी मैं क्या किया, गाड़ी को सेकंड गियर में मैं डाल दिया, ठीक है। हालांकि मेरे को सामने ब्रेक देना है। देखो मैं अभी जैसा गाड़ी को मैं रोकने वाला हूं तो मैं क्या करूंगा, पूरा मैं क्लच को दबाया, गाड़ी को स्लो डाउन कर लिया यहाँ से, क्योंकि क्लच को ऊपर इस तरह से पैर देके चलाना जो क्लच का काफी ज्यादा नुकसान होता है। आप 2-4-5 हजार में अगर क्लच के ऊपर इस तरह से राइड करते हुए गाड़ी चलाओगे तो आपका पूरा क्लच जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी सिग्नल रेड है, मैं गाड़ी को यहां मैं खड़ा कर दिया लेकिन अभी मैं चाहूं तो अभी कितना देर का सिग्नल होगा मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं पैर ब्रेक दबा के मैं खड़ा हुआ। और ज्यादा देर का अगर सिग्नल होता तो मैं हैंड ब्रेक टान के गाड़ी के इंजन में ऑफ कर देगा, लेकिन ये छोटा सा सिग्नल होता है, यहाँ से मेरे को राइट में लेना है, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा नीचे ढलान है, एकदम थोड़ा सा, तो मैं अगर रोल डाउन छोड़ देता हूँ तो गाड़ी देखो पीछे जाना शुरू कर देगा, तो इसलिए मैं ब्रेक दबा के खड़ा हूँ, ठीक है। अभी ये सिग्नल होने वाला है, मैं क्या किया फिर से देखो पूरा क्लच को दबाया नीचे तक, सिग्नल हो चुका है, गाड़ी को फर्स्ट गियर में, ब्रेक से पैर हटाए, हल्का सा एक्सेलेटर दबाए, इंडिकेटर दे दिया राइट में, आप टक टक आवाज सुन सकते हो और गाड़ी को मैं बढ़ाना मैं शुरू कर दिया। मैं क्लच दबाया, गाड़ी को सेकंड गियर में लिए और ये गाड़ी को मैं पूरा मैं मोड़ दिया, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, गाड़ी का जो पहला वाला जो गियर होता है वो जस्ट गाड़ी को मूव करने के लिए होता है, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। आगे वाला सिग्नल दिया हुआ है लेकिन जस्ट सिग्नल शायद हुआ है तो इसलिए अभी काफी ज्यादा गाड़ी का जमायत लगा हुआ है, तो इसलिए मैं फिलहाल गियर को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, गाड़ी का गियर जितना हो सके कम चेंज करना है अगर आप ज्यादा माइलेज चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं जो आप गाड़ी का सेकंड गियर में रख के गाड़ी चलाओ। देखो अभी आगे का ट्रैफिक थोड़ा सा हल्का हो गया, मैं क्या किया क्लच को दबाया, गाड़ी को मैं थर्ड गियर में डाला और मैं मूव करना शुरू कर गया। फिलहाल जो गाड़ी का मेरा जो स्पीड है दैट इज नियर अबाउट 30 किलोमीटर और फिलहाल जो गियर का जो पोजिशन है वो है थर्ड गियर में, ठीक है। तो गाड़ी का गियर का और क्लच का जो तालमेल है वो आपको दोनों एक साथ मिलाते हुए चलना है, नहीं तो आपको जो गाड़ी का जो माइलेज वो काफी ज्यादा घट जाएगा। देखो आगे सिग्नल रेड है, गाड़ी लग गया, मैं क्या किया ब्रेक दबाया, क्लच को दबाया पूरा, गाड़ी को मैं थर्ड गियर से सीधा मैं न्यूट्रल में कर दिया, फिर से शुरू हो गया है। देखो मैं किस तरह से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपका जो पैर का जो मूवमेंट होगा बिल्कुल इसी तरह का आपको होना चाहिए, ठीक है। देखो आगे इस तरह से आप जहां आपका ट्रैफिक रुकता है चलता है तो उस तरह का देखो मैं किस तरह से चला रहा हूं। देखो हल्का सा मैं पूरा क्लच दबा के रखा हूं, ठीक है। इस जैसा ट्रैफिक में जब भी आप गाड़ी चलाओगे आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या चीज आपको ध्यान में रखना है, गाड़ी को आपको हाफ क्लच कभी कभी करना पड़ेगा, देखो नहीं तो आप गाड़ी आपका बंद पड़ जाएगा। देखो मैं फिर से एक्सेलेटर को दबाया हल्का सा, क्लच से पैर हटाए, फिर मैं सेकंड गियर में आ गया तुरंत और मैं क्लच से अपना पैर को हटा लिया। तो क्लच के ऊपर पैर रख के बिल्कुल भी गाड़ी को नहीं चलाना है जब भी। इससे पहले देखो मैं अभी जैसे गाड़ी का साइड से मैं जा रहा हूँ, इस तरह का एक इससे पहले वाला जो वीडियो है लेफ्ट एंड राइट साइड जजमेंट का वो भी मैं बनाया हूँ, आप चाहो तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो वीडियो भी दिख जाएगा। फिलहाल गाड़ी का जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, अभी मैं देखो ये
सोचते हो कि मैं बार बार स्पीड का क्यों बोल रहा हूँ साथ में, मतलब मैं इसीलिए आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन सा गियर में कौन सा स्पीड में एक्चुअली आपको होना चाहिए। कभी कभी आप आर्टिकल पढ़ लेते होगे 30 किलोमीटर में इतना गियर में होना चाहिए, 5th गियर में होना चाहिए, 6th गियर में होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब चलाओगे गाड़ी को आपको महसूस करना है कब गाड़ी बोलता है जो भाई मेरा गियर चेंज करो, वो आपका इंजन का साउंड से आपका गाड़ी का जो रिफाइनमेंट है उससे आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप गाड़ी में बैठते हो ना, आप गाड़ी से जुड़ जाते हो, अपने आप को जोड़ने का कोशिश करो। आप अगर देखे होगा अवतार करके जो एक मूवी आया था, अगर आप देखते हो तो वहाँ एक परिंदा रहता है, उससे उसका पूंछ और उसका इससे जुड़ जाता है। तो गाड़ी में भी जब भी आप बैठो अपने आप को गाड़ी से जोड़ लो, गाड़ी क्या मांगता है, क्या बोल रहा है, आपको फील करना होगा उसको, तभी जाके अच्छा ड्राइवर बन पाओगे। देखो फिलहाल गाड़ी का जो पोजीशन है, गाड़ी का सामने का जो ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर चल रहा है, मैं गाड़ी को गियर को चेंज नहीं किया, 2nd गियर में कर रहा हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ रहा है मैं हल्का सा ब्रेक को टैप कर रहा हूँ ताकि अपना जो सामने वाला जो गाड़ी है उससे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में बना के चल पाऊँ। देखो सामने का गाड़ी अभी फिर से स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल मेरा गाड़ी में जो रखा हूँ 2nd गियर में, अननेसेसरीली 3rd गियर में मैं अभी गाड़ी डाल दूंगा तो मेरे को तुरंत फिर से लोअर गियर में आना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को एक हमेशा रहता है कि गाड़ी से अच्छा माइलेज भी निकालना है। देखो आज का दिन का जो गाड़ियाँ ना, ज़्यादातर पेट्रोल है, पेट्रोल का महंगाई आपको पता है, तो जितना हो सके गाड़ी को संभल के चला ताकि जो माइलेज का जो आपको बेहतरीन आपको मिल सके। देखो फिलहाल अभी गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, मैं क्लच को दबाया, गाड़ी को मैं 3rd गियर में लेके आया, लेकिन वही जैसा मैं बता रहा था, जहां आप सोचोगे या आपका गाड़ी अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा तभी जाके सामने वाला ट्रैफिक आपका रुक जाता है। तो दोस्तों यही सब छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, गाड़ी का लेफ्ट राइट जजमेंट करते हुए क्लच को किस तरह से मेंटेन करना है वो भी मैं आपको साथ ही में बता दिया। और देखो गाड़ी अभी फिलहाल स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, गाड़ी का स्पीड फिलहाल 40 किलोमीटर क्रॉस कर रहा है, आगे का सिग्नल रेड है, लेकिन तब पर भी मैं गाड़ी को 4th गियर में डाल दिया। इसका पीछे कारण है, देखो मैं अभी गाड़ी आगे रोकूंगा, ठीक है, मैं देखो कब से मैं ब्रेक को टैप किया, गाड़ी को स्लो डाउन कर लिया, ठीक है, मैं देखो जहाँ स्पीड 20 से नीचे है पूरा क्लच को दबाए, मैं 4th गियर से डायरेक्टली मैं न्यूट्रल पे आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो हर एक गियर आपको उतर उतर के, अगर 5 में हो तो 4, 3, 2, 1 न्यूट्रल फिर हो, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से किसी भी गियर से न्यूट्रल में आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अभी चलिए और एक बार मैं आपको क्लच कैसे यूज़ करते हैं 1st गियर में दिखा के इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो मैं क्या किया, क्लच को पूरा दबाया, गाड़ी को मैं 1st गियर में डाला, ब्रेक से पैर हटाए और मैं क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ, जितना धीरे मैं क्लच को छोड़ता हूँ उतना ही धीरे मैं एक्सेलेटर को दबाता हूँ और गाड़ी का जो लॉन्च होता है वो बिल्कुल भी स्मूथ होता है। तो दोस्तों और मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बताने वाला, मैं आपको दिखा दिया प्रैक्टिकली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी को किस तरह से क्लच को आपको कंट्रोल करना होता है, ब्रेक को कैसे इस्तेमाल करना है और गाड़ी का जो गियर का कौन सा पोजीशन है, तीनों चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करने का कोशिश किया। और ये वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा है कहानी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।